मुझे द्वारका माई चाहिए। देखिए मुझे गलत मत समझिए, ये जमीन वैसे भी अंग्रेज सरकार मेरे नाम कर चुकी है, पर मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि आप यहां काफी समय से रहते आए हैं। देखिए आप तो सिद्ध पुरुष हैं, जहां भी जाकर अपना घर बनाएंगे वो जगह खुद ब खुद द्वारका माई बन जाएगी, लेकिन मुझ जैसे व्यापारी के लिए ये जगह बहुत जरूरी है। साई, मैं यहां एक मिल लगाना चाहता हूं जिसमें गांव वालों को रोजगार मिलेगा। अब मेरे लिए ना सही, इन गांव वालों के लिए ये जगह खाली कर दीजिए। बस इतनी सी बात। साई, क्या तुम सच में जा रहे हो अपनी द्वारका में छोड़कर? तात्या, साई अपने लिए कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हमें इसके लिए बड़ों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने आई बाबा को बुला के आओ। चंपा, तुम भी जाके पूरे गांव वालों को बुला के आओ, मैं यही रहूंगी साई के साथ। अप्रतिम, अद्भुत, अरे क्यों? क्या देख रही हो? तुम कैसे पीछे रह गई खाने में? खाओ खाओ। हाँ हाँ। सरकार, अब तक तो उन लोगों ने साई को उठाकर बाहर फेंक भी दिया होगा, है ना? इतना सरल नहीं है पंता, उसकी मुंह बोली मां है ना बायजा का, पूरी शिरडी में शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया होगा उसने अब तक, और लेकर जा रही होगी खंडर की तरफ। लेकिन ये देखना रोचक होगा कि रत्नाकर और सरकारी आदेश के सामने वो कितना टिक पाती है। अरे ओम, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह दादा, वाह दादा, क्या चाल चली है तुमने। दादा, इसका मतलब बहुत जल्द शुभ समाचार हमारे कानों तक पहुंच जाएगा, है ना? अरे ओ, आई 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 आई, वो लोग साई को द्वारका माई से निकाल रहे। क्या? हाँ, रेहा,
भाईजान सुनो, कुछ लोग साई को द्वारकामाई से निकाल रहे हैं। चलो चलो। कहाँ रह गए सारे लोग? समय हो गया है लक्ष्मी। इसके पास सामान नहीं है तो बाहर आने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? नंदलाल, धैर्य रखना सीखो। देखो, मेरे एक बार कहने पे ये यहां से जाने के लिए तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा समय और दे देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। मेरे लिए परेशान मत हो लक्ष्मी। रुको साई। लेकिन दादा, बाईजा अक्का को तो तुम जानते ही हो, कैसे वो गांव की औरतों को लेकर हमारे वाड़े के सामने बैठ गई थी उस दिन। कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं। इस बार रत्नाकर के पक्ष में अंग्रेज सरकार है, और जानती हो फिरंगियों ने तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे ला दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आज का दिन अंतिम दिन है उस साई का उस खंडर में। हरिओम। तो ये कारण है इनकी खुशी का? नर्मदा, तुम द्वारकामाई जाओ। वो लोग साई को द्वारकामाई से बाहर निकाल रहे हैं। क्या? हाँ, जाकर देखो क्या हो रहा है। जल्दी जाओ। ठीक है वैनी। मैं जब भी संकट में होती थी आपको याद करती थी साई। इस समय आपको मदद की जरूरत है। अब मैं आपकी मदद करने के लिए किससे कहूं? भाईसामा, बीच में नहीं बोलोगे तुम? सुना तुमने? नहीं बोलोगे तुम बीच में? कोई भी तुम्हें यहां से जाने को कहेगा और तुम चल दिए। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूं, पहले तो इस प्रकार मिल बनाएंगे आप शिरडी में। एक तरफ अपने गृह प्रवेश में लोगों को आमंत्रित करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को अपने घरों से निकालेंगे आप। प्रणाम। लगता है आप भी साई की भक्त हैं। मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन देखिए, यहां जो कुछ भी हो रहा है ये तो एक सरकारी कार्य प्रणाली के तहत हो रहा है, इसमें निजी कुछ भी नहीं है। ये जमीन मैंने अंग्रेज सरकार से खरीद ली है,
मेरे पास कागज हैं इस बात के। सरकार ने अधिकृत तौर पर यह जमीन मुझे आवंटित की है, इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। नंदलाल, ये कागज हैं, आप चाहें तो देख लीजिए। ये द्वारका माई है, सिर्फ शिरडी नहीं आसपास के गांव वालों की आस्था का प्रतीक है ये द्वारका माई। दुखियारों का सहारा है ये द्वारका माई, हर भेदभाव से मुक्त सबका आश्रय है ये द्वारका माई। आपके कागज के टुकड़े में ये सिर्फ एक जमीन होगी, लेकिन साई पर आस्था रखने वालों की दुनिया बसती है यहाँ। इसका सौदा नहीं हो सकता, आपको जमीन तो और भी मिल जाएंगी। ऐसा माँ? हाँ माँ हूँ, और जब माँ ने कहा है कि तुम बीच में नहीं बोलोगे तो तुम्हें माँ की बात माननी होगी। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। द्वारका माई बिकाऊ नहीं है, मतलब नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कौन है जो साई को द्वारका माई से निकालना चाहता है? नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो साई? कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे साई। एक फकीर के समर्थन में इतने लोग, इतना आक्रोश। यही है वो जो साई को द्वारका माई से निकाल रहा है। हम इस कॉपी को शिरडी से बाहर निकाल देंगे। हाँ हाँ, बाहर निकालेंगे इसे। नमस्कार मालसापति जी। प्रणाम अप्पा। भाइयों, आप लोग बिना किसी वजह के क्रोधित हो रहे हैं। देखिए, आपका क्रोध जायज होता अगर मैंने साई के साथ कोई जोर जबरदस्ती की होती, इन्हें डराया धमकाया होता या कोई बुरा व्यवहार किया होता। मैंने तो साई को केवल यह सूचना दी थी कि अंग्रेज सरकार ने यह भूमि मेरे नाम कर दी है, क्योंकि मैंने इसे खरीद लिया है। मेरे पास इसके कागजात भी। हमें ना तुम पर विश्वास है, ना तुम्हारे किसी कागज पर। अपने साई पर तो है, उन्हीं से पूछ ले। साई, आप ही बताइए ना इन सबको, क्या मैंने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी? ये सच कह रहे हैं, मैंने खुद हामी भरी है यहां से जाने के लिए। देखा आप लोगों ने, हो गई सबकी तसल्ली। किसी को अब भी कोई संदेह बाकी है तो दूर किए देते हैं। और जहां तक आप लोगों की यह चिंता है कि मैं साई को शिरडी के बाहर भेजना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल बेवजह है। बल्कि मैं तो साई को गांव के बाहर से गांव के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां यहां से बेहतर व्यवस्था होगी, बेहतर सुख सुविधाएं होंगी। आपको क्या लगता है, क्या हम साईं के बारे में ये सब नहीं सोचते? क्या हमें उनकी फिक्र नहीं है? सब सुख सुविधाओं को छोड़कर साईं ने इस जगह को चुना था। रत्नाकर जी, साईं के लिए द्वारका माई एक निवास स्थान है। साईं हमेशा से यही रहते आए हैं और यही रहेंगे। साई कहीं नहीं जाएंगे, ये साई की द्वारका माई है। साई की द्वारका माई है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम। साई कहीं नहीं जाएंगे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम। समस्या को सुलझाया जा सकता है हर एक बार।
इन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। साईं, किसी को किसी के घर से निकालना ये अच्छी बात नहीं है और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये नाइंसाफी है साईं, आपके साथ भी और हम सबके साथ भी। हाँ साईं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहीं नहीं, हम इसको बाहर निकालेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। कौन रोकेगा हमें? हम रोकेंगे। इस शिरडी का एक एक बच्चा, एक एक औरत और एक एक आदमी रोकेगा। आपने मेरे साई के अच्छाई का फायदा उठाया ना, अब देखो क्या करते हैं ये लोग। बाहर निकालो इसे, निकालो इसे बाहर। रुक जाओ, पीछे हटो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साहब, ये लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं, अब भी आप शांत हैं? नंदलाल, गुस्सा तो कोई भी कर सकता है, असली शक्तिशाली आदमी वो होता है जो सबको अपने पक्ष में कर ले। देखिए भाइयों, यूं आक्रोशित होने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इस समस्या का समाधान हम बातचीत से भी निकाल सकते हैं। भाई, 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 ये तुमने बहुत अच्छा किया साई, मुझे फौरन खंडहर के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं खंडहर के अंदर पहुंच गया तो कागजात के हिसाब से इस जगह पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हमें अंदर जाने दीजिए साईं। मेरी बात सुनो, मत आओ साईं, हमें जाने दीजिए। बचाओ, नंदलाल मदद करो। ये साहब को क्या हुआ? नंदलाल बचाओ, बचाओ मुझे। नंदलाल बचाओ। ये इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ साहब? नंदलाल बचाओ मुझे। आ, आ, आ। काला जादू करके मेरा अपमान किया है इन सबके सामने। साई पाखंडी, मैं जानता हूं ये सब कुछ तूने किया है। रुक, की कोशिश किसने? इसका दुस्साहस का दंड से मिलना चाहिए। छोड़ना मत इसे। हाँ, मारो इसे। रुक जाओ,
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? श्रद्धा और सबूरी का पाठ इतनी जल्दी भुला दिया तुम लोगों ने? हिंसा, हिंसा हमारा रास्ता तो नहीं था। किसी से नफरत करना ये हमारा रास्ता तो नहीं था। तो फिर किस राह पर निकल पड़े हो तुम लोग? साई, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन इसने आप पर हाथ उठाने की जरूरत की है। हाँ साई, अब हम और धैर्य नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि हम में से किसी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, और ना ही हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन साई, आप ही तो कहते हैं अन्याय करने से कहीं बड़ा पाप अन्याय सहना है। इसलिए आप इनसे कहिए ये तुरंत यहां से चले जाए, नहीं तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ साई, अब हम अपने आप को और नियंत्रित नहीं रख सकते। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम भी यही करोगे खंडू। उन्हें मत रोकिए साई। नंदलाल ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। नंदलाल या मेरे बाकी आदमियों ने यहां पर जो कुछ भी कहा या किया वो मेरे इशारे पर किया। आप लोगों का गुनहगार मैं हूं। मेरे आदमियों को यहां से जाने दीजिए, और मुझे आप लोग जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। इन्हें जाने दो। जाइए। साई, पहले तो मैं आया था सिर्फ इस उद्देश्य से कि यह जमीन मेरी हो जाए, लेकिन आज जो अपमान हुआ है मेरा, उसके बाद ये मेरी जिद है कि इस खंडहर का कब्जा मैं लेकर ही रहूंगा। अब जब तक मैं तुम्हें इस खंडहर से नहीं, शिरडी से भी बाहर ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.